Welcome back to a new vlog, Home Himalaya. Today we are going to Hesmai Gufa. Today we are going to caves near our village named Tikri to Cave. गाइस अभी हम जा रहे हैं टिकरी डुक्की की रहस्यमय गुफाओं की तरफ। बैजनाथ से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ से आपको पैदल आना पड़ेगा और यहाँ कोई रास्ता नहीं है जैसा कि हमें पता था, लेकिन यहाँ रास्ता है, बहुत बढ़िया रास्ता है। और पीछे आप मेरे पीछे सुन पा रहे होंगे एक नदी की आवाज़, और यहाँ पर एक झरना भी है जो मैं आपको आगे दिखाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टिकरी डुक्की मेरे घर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पहुँचने के लिए मुझे लगभग एक घंटा लगा। हम लोग बीड़, बैजनाथ, पपरोला, मझैरना, सगूर होते हुए टिकरी डुक्की पहुँचे। टिकरी डुक्की में गवर्नमेंट हाई स्कूल टिकरी डुक्की के पास से आपको रास्ता मिलेगा जो ले जाएगा आपको इन रहस्यमय गुफाओं की तरफ और इस प्यारे से झरने की तरफ। हाई स्कूल से ये गुफाएं और झरना लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, इसको बोलते हैं अमरबेल, और इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन में स्किन डिजीजेस के लिए यूज किया जाता है। ये सामने है बिनबा नदी और इसके किनारे पर है एक खूबसूरत झरना और टिकरी डुक्की की रहस्यमय गुफाएं। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं रहस्यमय गुफाओं के पास, तो आगे चल के देखते हैं कि क्या रहस्य छुपा रखा है इन रहस्यमय गुफाओं ने। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं गुफाओं की ओर। तो ये फर्स्ट गुफा है, तो ये हमारा खतरनाक एक्सप्लोरर है। यहाँ देखो, हाय एक्सप्लोरर। हाय। चलो ये देखो, यहाँ कुछ येलो है। हाँ चलो चलो चलो। ओ माय गॉड, लाइमस्टोन केव से भी नहीं है। ऊपर कर टॉर्च, टॉर्च ऊपर कर। हाँ मम्मी, मम्मी नहीं है इधर, ऊपर रख बेटा टॉर्च, ऐसे नहीं, ऐसे इधर। वाह चलो अंदर चलो, चलो चलो चलो। हाँ ये काफी पुराना शिवलिंग है और गुफा के ऊपर बनी है लाइमस्टोन की बहुत सारी आकृतियां। और ये देखिए, ये खुद ब खुद अपने आप बनी हुई शेप्स हैं, बहुत सारे शेप्स है। ये शंख की तरह लग रही है। और ये देखिए, आप ऊपर देख पाएंगे तो सब जगह अलग अलग आकृतियां बनी हुई हैं। ये एलिफेंट की है पूरी, ये पूरा। देखिए यहाँ कंटिन्यू पानी आ रहा है। यहाँ भी कोई रास्ता है? हाँ रुको रुको, साँप के शेप में बना हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे शेषनाग का छत्र हो।
पहले हमने ये सामने एक गुफा है जो हम इसमें जा चुके हैं और अभी हम दूसरी गुफा की ओर जा रहे हैं। यहाँ से थोड़े से साथ में ही है और वो मुझे लगता है काफ़ी बड़ी गुफा है, तो आइए देखते हैं। और जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, यहाँ पर एक हवन कुंड है, एक हवन कुंड है, यहाँ पर एक बिजली का मीटर भी लगा हुआ है। तो किसी टाइम पे ये यहाँ पर लोग किस यहाँ पे कोई संत रहते थे, लेकिन अभी यहाँ खाली वीराना है। तो अभी हम जा रहे हैं मेन गुफा की तरफ, तो आइए। पुराने जमाने में बहुत the blood creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. तो गाइस हम झरना ढूंढ रहे हैं, इसके अगल बगल एक झरना है, लेकिन हमें यहाँ पूरी जगह में कोई झरना नहीं नज़र आ रहा। तो शायद हम अलग रास्ते पे आ गए हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि अभी टाइम हो गया, लंच कर लेते हैं। तो ये हमने जगह ढूंढी है लंच के लिए। यहाँ काफ़ी साथ ही में पुल के साथ में ग्राउंड है, बहुत सारे पत्थर हैं और यहाँ पत्थर के बीच छाया में अभी हम लंच करेंगे। तो चलिए उसके बाद हम झरने की तरफ जाएँगे। यहाँ केव्स के राइट तरफ एक और रास्ता है, अब यहाँ हम आगे जाके देखते हैं कि आगे हमें झरना मिलता है या नहीं।
मुझे लग रहा है कि ये बटरफ्लाई हमें झरने की तरफ ले जा रही है। और ये बटरफ्लाई आखिरकार हमें ले आई है झरने के पास। और गाइस अभी मैं जा रहा हूँ झरने में नहाने के लिए, और आप सब लोग एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत नजारा। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई जगह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।